बता सकती हैं? यस, हमारा जो बात बेसिकली शुरू हुई थी वो 2-3 दिन पहले शुरू हुई थी. आई हैव बीन हियरिंग अबाउट ब्लॉगर्स और काफ़ी ब्लॉगर्स ने मुझे रिव्यूज़ दिए थे कि आप लेज़र ट्रीटमेंट करा लें, दैट्स गुड, दैट्स फार बेटर. तो अभी रिसेंटली मेरी खाला ने करवाया था एंड आफ्टर दैट शी इज़ लाइक लिव्स इन दुबई. तो उसके बाद फिर मुझे याद आया, मैंने कहा मेरा तो कॉन्टैक्ट है डॉक्टर्स उनके साथ, आई आस्क हिम. फिर मैंने इनसे बात की, इनसे डिफरेंट क्वेश्चन से मैंने काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थी. फिर ये था कि दोबारा तो नहीं ग्रो करेंगे, और फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब ना काफ़ी फ्रेंड्स ने ये भी बोला था कि यार दोबारा ना ग्रो कर जाए, इस तरह मसला होता है, फिर परमानेंटली तुम्हें जाना पड़ेगा. सो ही गाइडेड मी वेरी वेल और फिर जब मेरी कम्प्लीट सेटिस्फेक्शन हो गई, सो नाउ आई एम हियर. आई हैड माई फर्स्ट सेशन एंड इट वॉज ग्रेट. और कुछ लोग बोलते हैं पेनफुल बहुत होता है, कुछ भी नहीं होता, इट्स रियली नथिंग. सिर्फ हीटें हुई थी जिसका दे हैव दिस पंप एंड ऑल दिस मशीन, दिस वर्क वेल. सो आई रियली सजेस्ट यू ऑल टू गेट दिस ट्रीटमेंट. और मेरी आई गेस एट सेशंस की हमारी बात हुई थी कि 8 सेशंस जो है वो हो जाएगा. सो आई बिलीव कि मेरा उससे पहले ये सारा इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा. सो डू विजिट. और अगर आप अगर कोई भी क्यूरीज है जस्ट ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अगर मेरे कोई पर्सनल आप लोग मुझे जानने वाले, यू कैन व्हाट्सएप मी और मैं आप लोगों को डायरेक्ट इनके साथ कनेक्ट कर दूँगी. थैंक यू सो मच. ओके, दिस इज द लेजर, एक्चुअली हम इसको लेजर शेव कहते हैं. और टू बी मोर फ्लावरी आई कॉल एज हेयर वैपोरेटिंग प्रोसीजर. सो ही शी एंड हर मॉम बोथ आर हेयर एंड आई लव, दे आर वंडरफुल पीपल एंड दे आर वंडरफुल क्लाइंट्स एंड थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स. थैंक यू.